हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज़ में। और मैं हूँ हारिस कुरैशी। गाइस, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं डॉन 3 को लेकर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था और मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा ताकि आप देख सकें कि मैंने कैसे रूमर्स क्लियर करे थे डॉन 3 के बारे में। जो अफवाह 6 महीने 8 महीने में आती रहती हैं डॉन 3 के बारे में अफवाह, वो उसके मैंने रूमर्स क्लियर करे थे। तो मैंने सोचा यार कि एक वीडियो काफ़ी नहीं रहेगी, एक और वीडियो बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक बार बात सेट नहीं होती। लेकिन इसमें मैं कुछ अलग बात बताऊँगा। मैं इसमें ये बताऊँगा कि मुझे नहीं लगता कि फरार अख्तर इंटरेस्टेड है डॉन 3 के लिए, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो रूमर्स अब उठ रही हैं डॉन 3 की मिड 2019 से शूटिंग शुरू हो जाएगी और मलेशिया में होगी और ये होगी और वो होगी और टाइटल फाइनलाइज हो गया है और क्लाइमैक्स फाइनलाइज हो गया है, ये तो आम बात है। ये पता नहीं सालों से सुनता हुआ आ रहा हूँ मैं, कोई ये आम बात है ये। दूसरी मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि फरहान अख्तर इंटरेस्टेड है डॉन 3 बनाने में या शाहरुख खान के साथ काम करने में। दोस्तों मैं बिल्कुल क्लियर मैं बताता हूँ क्या। रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जगह सबसे पहली चॉइस फरहान अख्तर थी। जब रईसमेंट की एक तरीके से इनडायरेक्टली अनाउंसमेंट हुई थी, ऑफिशियल तो नहीं, तो उसमें फरहान अख्तर पुलिस का रोल करते और शाहरुख खान वही जो शाहरुख खान ने किया है। लेकिन फरहान अख्तर को वो रोल छोड़ना पड़ा। किस फिल्म के लिए उन्होंने ये रोल छोड़ा? रॉकन 2 के लिए। मतलब एक फ्लॉप फिल्म, जो रॉकन 2 फ्लॉप हो गई, उस फिल्म के लिए इन्होंने रईस का इतना दमदार रोल छोड़ा। और छोटे मोटे फिल्म में बनाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं छोटे बजट की, जैसे फुकरे रिटर्न्स वगैरह। तो और हर साल ये कहते रहते हैं कि हाँ अब तो बिल्कुल फाइनल है स्क्रिप्ट, अब तो बिल्कुल फाइनल है वो। मुझे डॉन 3 की स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही भैया, कब फाइनल होगी? मीडिया में ये भी रिपोर्ट आ जाती है कि इस महीने फाइनल हो जाएगी, 6 महीने में फाइनल हो जाएगी, 7 महीने में अब फाइनल हो जाएगी, जब फाइनल हो जाएगी अब कब होगी फाइनल? इस कहानी है तुम क्या बना रहे हो? जो सालों से सुनता हुआ आ रहा हूँ वो चीज़ आ गई नहीं बढ़ रही। कि कभी तो ये सुनता हूँ कि स्टोरी फाइनल हो जाएगी, कभी यह सुनता हूँ कि फरहान अख्तर स्टोरी पे काम करना चालू कर देंगे, कभी यह सुनता हूँ कि मिड 2019 से शूटिंग चालू हो जाएगी। तो भाइयों, मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा तो एक्सपेक्टेशन रखो मत डॉन 3 से। हो सकता है कि, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉन 3 आएगी नहीं, हो सकता है अनाउंस हो जाए, लेकिन अगर अनाउंस होती है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करो, इन्हें रूमर्स के चक्कर में पढ़ना गलत है। रूमर्स अब ये कह रहे हैं कि 2019 से डॉन 3 की शूटिंग चालू हो जाती है। भाई हो जाती है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जाहिर सी बातें होगी, और होती है अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती तो वही बात जो सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। तो रूमर्स पे बिलीव मत करो। हाँ, अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है कल के ऊपर कभी भी, तो उस पर यकीन करो। तो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशंस डॉन 3 से कम रखो। हो सकता है डॉन 3 के अलावा शाहरुख खान कोई दूसरी फिल्म अपनी अनाउंस करें, ठीक है भाई? तो गाइस बने रहें मेरे साथ, प्लीज़ मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस करें आप प्लीज़ यार। सब्सक्राइबर बहुत कम है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, और मैं बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा हूं अपने आप में भी। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें। बाय बाय।